हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 40 ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक। दिस इज योर चैप्टर नंबर 8। टुडे वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर एंड सम एक्सरसाइजेस आल्सो। वर्ड मीनिंग्स, बूस्ट, BOAST। बूस्ट मीन्स होता है शेखी मारना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स होता है पावर, शक्तिशाली। ब्रैग्ड, ब्रैग्ड मीन्स होता है टू बूस्ट, डींगे मारना। क्लाइंग, CLING, क्लाइंग मीन्स होता है टू स्टिक, चिपक जाना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पार्ट ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं, करेक्ट ऑप्शन पर राइट का साइन लगाना है। नंबर वन, द विंड बूस्टेड ऑफ, हवा ने किस बात पर शेखी मारी? ब्यूटी, ग्रेट स्ट्रेंथ, बोथ ए एंड बी। तो हमने लेसन में रीड किया कि जो हवा थी उसने अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ पर डींगे मारी थी, तो ऑप्शन नंबर बी पर आप राइट का साइन पुट करेंगे। नंबर टू, द मैन वॉज वियरिंग अ, उस मैन ने क्या पहना हुआ था? वार्म विंटर कोट, कूल समर कोट या रेन कोट? तो उस मैन ने क्या पहना हुआ था? वार्म विंटर कोट। इस पर आप राइट का साइन लगाएंगे। नंबर थ्री, द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड अ, सन किसके पीछे से बाहर आया? माउंटेन के पीछे से, रिवर के पीछे से या क्लाउड के पीछे से? तो जो सन था वो बादलों के पीछे से आया था। ऑप्शन नंबर सी पर आप राइट का साइन लगाएंगे। पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। आपको यहाँ इस येलो बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है जिन्हें आपको इनके सही प्लेस पर लिखना है। नीचे जो सेंटेंसेस हैं, फिलअप्स हैं, इनमें आपको इन वर्ड्स को इनकी सही प्लेस पर फिल करना है। सबसे पहले इन वर्ड्स के मीनिंग हम जान लेते हैं। वाइंडिंग, वाइंडिंग मीन्स होता है हवादार। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। जेंटलनेस, जेंटलनेस मीन्स होता है सौम्यता। बर्ड्स, बर्ड्स किसे कहते हैं? पक्षियों को बर्ड्स कहते हैं। नंबर वन, द सन आर्ग्यूड दैट देयर वॉज ग्रेट पावर इन, सन ने आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया? कि ग्रेट पावर किसमें होती है? जेंटलनेस। क्या फील करेंगे यहाँ पर? जेंटलनेस, सौम्यता में अत्यधिक क्षमता होती है। नंबर टू, फार बिलो अ मैन ट्रेवल्ड ऑन अ डैश रोड। फार बिलो, बहुत दूर नीचे एक व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था। कैसी रोड पर ट्रैवल कर रहा था? वाइंडिंग रोड पर। क्या फील करेंगे यहाँ पर? वाइंडिंग। नंबर थ्री, द विंड ब्लू सो हार्ड, जो हवा थी वो बहुत तेज चली, अत्यधिक तेजी से चली। द डैश क्लंग टू द ट्रीज, हवा के तेजी से चलने के कारण क्या हुआ था? जो पक्षी थे वो पेड़ों से चिपक गए थे। क्लंग मीन्स होता है चिपक जाना, तो यहाँ क्या फील करेंगे? बर्ड्स, बर्ड्स क्लंग टू द ट्रीज। नंबर फोर देखेंगे, द सन वार्म्ड द एयर, सन ने हवा को गर्म कर दिया। एंड द डैश ग्राउंड, हवा को गर्म कर दिया और फ्रॉस्टी ग्राउंड। क्या फील करेंगे यहाँ पर? फ्रॉस्टी ग्राउंड, ग्राउंड जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था, उस फ्रॉस्टी ग्राउंड को भी हवा ने गर्म कर दिया था। आज आप जो वर्ड मीनिंग है उन वर्ड मीनिंग्स को बुक से देख करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इन दोनों एक्सरसाइजेस को, टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको आपकी बुक में सॉल्व करना है। ओके, हरे कृष्णा।